भगवान श्री कृष्ण को जानने, समझने, महसूस करने और अपने अंतर मन में उनका आभास पाने के उद्देश्य से शुरू की गई संस्था जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, उसके विश्व भर में 600 के करीब मंदिर, विद्यालय और शाखाएं हैं। हरे राम। 13 जुलाई 1966 को स्थापित इस संगठन, जिसका उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक सचेतन, अध्ययन एवं अध्यात्म है, का एक केंद्र ओडिशा के भुवनेश्वर में भी है, जहां इस्कॉन से जुड़े भक्तजन भगवान कृष्ण के रंग में रंगे नजर आते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्कॉन के दुनिया भर में फैले छोटे बड़े सैकड़ों मंदिरों में होता है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 17 वर्ष लगे और 1991 में इसका उद्घाटन हुआ और इसे नाम दिया गया श्री कृष्ण बलराम मंदिर। मंदिर में इस्कॉन के संस्थापक अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मानवाकार मूर्ति स्थापित है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे साक्षात स्वयं यहाँ विराजमान हों। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न रूपों में कई मूर्तियां भी नजर आती हैं। पर्दा हटने पर भगवान के दर्शन पाकर सभी भक्तजन ऐसे तृप्त प्रतीत होते हैं मानो उन्हें जीवन का परम आनंद मिल गया हो। इस मंदिर के सबसे मध्य में कृष्ण बलराम के दर्शन होते हैं। उनके दाईं ओर गौरनिताई और बाईं ओर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी स्थापित हैं। कृष्ण और बलराम के समक्ष हाथ जोड़े श्रद्धा में डूबे भक्तजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते स्वयं को मानो पूर्णतः ईश्वर के हवाले कर देते हैं। मंदिर में हर कोई भगवान कृष्ण के रंग में रंगा नजर आता है। इस्कॉन के चार मूल सिद्धांतों तप, दया एवं सत्य की पालना, तामसी को त्यागने, अनैतिकता से दूर रहने व सात्विकता अपनाने का संदेश देती है। कृष्ण बलराम के बाद गौरी निताई की पूजा होती है। गौर अर्थात गौर रंगा, यानी जिसकी काया स्वर्ण रंग की हो, अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु, और निताई यानी नित्यानंद। ऐसी मान्यता भी है कि 1486 में भगवान कृष्ण ही
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और स्वयं अपने ही भक्त के रूप में जीवन बिताया। नित्यानंद प्रभु 1474 के आसपास बंगाल में जन्मे। कुछ ग्रंथों में उन्हें बलराम का अवतार कहा गया है, यानी अगर ऐसा माना जाए तो गौर निताई भी कृष्ण और बलराम का ही रूप है। इनके समक्ष भी भक्तजन हाथ जोड़े पूर्णता समर्पित मुद्रा में खड़े दिखाई पड़ते हैं। भगवान कृष्ण के कर्म करो फल की चिंता ना करो के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि इस धरा के लोग काम क्रोध मद मोह लोभ व अहंकार के कुप्रभाव से मुक्त एक संतुष्ट एवं आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। दरअसल इस्कॉन का प्रचार ही भगवान कृष्ण के विचारों का अनुसरण करना और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए न केवल अपने जीवन अपितु पूरे संसार को हर्षमय आनंदमय एवं संतोषमय बनाना है। श्री जगन्नाथ पुरी के बाद इस्कॉन से भी दूसरी सबसे बड़ी यात्रा निकलती है। चूंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में केवल भारतीयों के ही प्रवेश की अनुमति है, इसलिए विदेशी पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए ये कृष्ण भक्ति का वैकल्पिक स्थान है, जहां वे मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और भगवान की मूर्तियों के समक्ष नतमस्तक भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया में इतने अधिक अनुयायी होने का कारण यहाँ आकर प्राप्त होने वाली असीम शांति है। तभी तो कोई हाथ जोड़ कोई शीश नवा और कोई दंडवत प्रणाम करता है। भुवनेश्वर स्थित इस्कॉन मंदिर की परिक्रमा करते समय वहां लगे चित्रों में हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सारांश मिलता है। इस परिक्रमा में उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का चित्रण मिलता है, उनके चमत्कारों का नजारा भी देखने को मिलता है। बचपन से लेकर किशोर युवा एवं प्रौढ़ावस्था की अधिकांश घटनाएं इन चित्रों में देखी जा सकती हैं। भगवान कृष्ण यथार्थवादी हैं, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने के साथ साथ सांसारिक बंधनों के चक्रवाद से स्वयं को मुक्त रखने का संदेश भी देते हैं। तीसरा मंदिर बलराम सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी का है। इस समय इस मंदिर का द्वार बंद है, क्योंकि वे अपने ननिहाल गए हुए हैं और इस अवधि के दौरान मंदिर के द्वार बंद रखे जाते हैं। ये द्वार जब खुला रहता है तो बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाकर हर श्रद्धालु स्वयं को भाग्यशाली मानता है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा की ही तरह यहाँ से भी एक विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा को भी गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। गुंडिचा मंदिर को गुंडिचा घर के नाम से भी जाना जाता है और ये यहाँ का एक लोकप्रिय धार्मिक दर्शनीय स्थल है। कलिंग वास्तुकला से निर्मित ये मंदिर भगवान जगन्नाथ जी की मौसी गुंडिचा को समर्पित है और इसे उन्हीं का घर माना जाता है। यात्रा के दिनों में तो इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है, पर यूं भी साल भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर में भी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है।
हर कोई भक्ति में डूबा ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका सीधा संपर्क ईश्वर से जुड़ गया हो और अब उसे दुनिया की किसी अन्य वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों द्वारा जलाए जाने वाले दीपकों को अलग स्थान पर रखा जाता है। इन दीपकों को जहां अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते स्रोत के रूप में देखा जाता है, वहीं इन्हें ईश्वर के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आदर व समर्पण भाव का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपक या अग्नि को साक्षी मानकर किए गए किसी भी कार्य में, मांगी गई किसी भी कामना में सफलता अवश्य मिलती है। इस मंदिर में आकर प्रभु भक्ति का अनोखा और अलग रूप देखने को मिलता है और दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा में शामिल होने का अनोखा अनुभव भी। जो जगन्नाथ रथ यात्रा हो रहा है ना, ये इसको भुवनेश्वर, इसको ये उड़ीसा का सेकंड लार्जेस्ट रथ यात्रा है। पहले जगन्नाथपुरी है, दूसरा ये भुवनेश्वर का जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ा है, इसलिए सब लोग का आस्था ज़्यादा है। बहुत सारे लोग भुवनेश्वर से आए हैं और उड़ीसा में जितना गांव है और शहर है सब लोग जानते थे इस्कॉन को, इसलिए सबका आस्था इस्कॉन का ऊपर है। मिडिल में कृष्ण बलराम, बाएं तरफ पे गौर निताय और डाइन तरफ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। वो प्रतिष्ठा होने के बाद एक दो वर्ष के बाद हमारे जो हेड पुजारी थे वो एक स्वप्न में देखे कि कृष्ण बलराम यहाँ छोड़ के रास्ते में चला जा रहा है। और पीछे कर के गए कि आप यहाँ से क्यों चला जा रहे हैं, क्यों नहीं हम नहीं रहेंगे क्यों ना, इधर राधा रानी नहीं है इसलिए हम चला जा रहा हूँ। उसके बाद ये गौरवनी स्वामी महाराज जी बोले कि ये तो गौरंग महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, आप क्यों चला जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो 95 में उनको बनाने के लिए मैप किया और प्रतिष्ठा किए 95 में, ये कृष्ण राधा कृष्ण बनाया। भगवान कृष्ण के साथ राधा का न होना कृष्ण को संपूर्ण नहीं बना सकता। ऐसा ही सपना यहाँ के पुजारी को भी आया था, जिसमें उन्हें कृष्ण इस स्थान को छोड़कर राधा के पास जाते दिखे। भगवान कृष्ण इस मंदिर को छोड़कर ना जाएं, इसीलिए बाद में यहाँ राधा जी का मंदिर भी बनवाया गया। कमल के आकार में बनवाए गए इस मंदिर में अब कृष्ण के संग राधा भी हैं और भक्ति वेदांत स्वामी पाद की कृपा से बनवाया ये मंदिर अपने आप में पूर्णतः संपूर्ण भी। इस तरह कृष्ण भक्ति व प्रेम का प्रतीक इस्कॉन मंदिर अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के सभी स्वरूपों को दर्शाता एक अनोखा एवं आकर्षक केंद्र है, जो अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के लक्ष्य को साक्षात रूप देता है।